गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 7, अ विजिट टू कैम्ब्रिज। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड। एज वी नाउ से, स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आर टाइम। ही सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालाइज दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हीलचेयर एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाई प्रेसिंग बटन्स on a computer which speaks for him in a machine like voice. Firdaus Kanga is a writer and journalist who lives and works in Mumbai. Kanga was born with brittle bones that tended to break easily. When he was a child, like Hawking, Kanga moves around in a wheelchair. Jo story hai wo do extraordinary persons ki meeting ke bare mein hai. दोनों ही डिसेबल्ड थे, या फिर हम ये कहें कि डिफरेंटली एबल्ड थे। स्टीफन हॉकिंग अपने टाइम के महानतम जो है साइंटिस्ट थे, बट वो पैरालाइज थे और उन्हें बात करने के लिए बटन प्रेस करने होते थे कंप्यूटर पर, और हमेशा व्हीलचेयर पर होते थे। फिरदौस कांगा एक फेमस राइटर है, जर्नलिस्ट है, जो मुंबई में जॉब करते हैं। जब कांगा पैदा हुए थे तो उन्हें ब्रिटल बोन्स की प्रॉब्लम थी, मीन्स उनकी जो बोन्स है वो इतनी सॉफ्ट थी कि वो ईजिली टूट जाती थी। और हॉकिंग की तरह कांगो भी जगह जगह जाने के लिए व्हीलचेयर का यूज़ करते थे। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लीव लाइफ ऑन अ व्हीलचेयर एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल। और अपनी मीटिंग में वो डिस्कस करते हैं कि व्हीलचेयर पर जो लाइफ है वो कैसी होती है, और जो नॉर्मल लोग हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं डिसेबल्ड लोगों के बारे में। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मैंशन स्टीफन हॉकिंग। Poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. अब देखो, जब वो एक वॉकिंग टूर पर था कैम्ब्रिज में, तो वहाँ पर गाइड ने उसे बताया स्टीफन हॉकिंग के बारे में कि जो वो पुअर गाय है, पुअर मैन है, अब पूरी तरह से डिसेबल हो चुका है, अपाइज हो चुका है, और वो इसाक न्यूटन का वर्दी मीन्स एबल सक्सेसर है, जिसे यूनिवर्सिटी में उसकी चेयर मिलनी चाहिए। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर, लिव्ड हियर। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने अपनी जर्नी जो है वो शुरू की, क्योंकि मैं पूरी तरह से भूल चुका था कि जो मोस्ट ब्रिलियंट और पूरी तरह से पैरालाइज हो चुके हैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट और अपने टाइम की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक के जो ऑथर हैं वो यहीं रहते हैं। व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन आई रश्ड टू अ टेलीफोन बूथ आउटसाइड and almost tearing the cord so it could reach me outside. Phoned Stephen Hawking's house, there was his assistant on the line. And I told him I had come in a wheelchair from India. To write about my travels in Britain, I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do, half an hour, he said, from 3:30 to 4. मैं फ़ोन बूथ की तरफ गया, उसके बाद मैंने फ़ोन की जो कॉर्ड है, जो वायर है, उसे इस तरह से खींचा कि वो मुझ तक पहुंच जाए। उसके बाद मैंने स्टीफन हॉकिंग के पास फ़ोन मिलाया, उसके असिस्टेंट ने फ़ोन रिसीव किया, और मैंने उन्हें बताया कि मैं इंडिया से व्हीलचेयर पर आया हूँ अपनी ब्रिटेन के बारे में, ट्रैवल्स के बारे में लिखने के लिए, और मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ। एंड इवन 10 मिनट्स वुड डू, सिर्फ 10 मिनट भी मिल जाएंगे तो काफ़ी होगा। उन्होंने कहा आधा घंटा, 3 से 4 बजे तक।
and suddenly I felt weak all over. Growing disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. कि जब आप डिसेबल्ड होते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं बार बार ये सुनकर कि बी ब्रेव, बहादुर बनो. आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आपका कोई करेज अकाउंट है और आप आलसी हैं उस चेक को वहाँ से विड्रॉ करने में. और सिर्फ एक चीज़ जो आपको स्ट्रोंगर बनाती है वो ये कि किसी ऐसे पर्सन को देखना जो आप जैसा ही है, आप जैसा ही डिसेबल्ड है और जिसने कुछ आपसे भी अच्छा, कुछ बड़ा अचीव किया है. I have not been brave, said his disembodied computer voice. उनकी जो अजीब सी कंप्यूटर वॉइस है उसने कहा कि मैं कभी भी ब्रेव नहीं था. I have had no choice. Surely I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. But I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. There he was, tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him. His long pale fingers. Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him, I could feel his anguish. The mind bound with thoughts that come out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. देखो, स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि मैं कभी भी ब्रेव नहीं था, पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी. और मैं उन्हें कहना चाहता था, मीन्स नरेटर उन्हें बताना चाहता था कि दुनिया में क्रिएटिवली जीना इस बॉडी की तरह, डिस इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है जो जगह जगह से टूटी हुई थी, वो अपने आप में एक चॉइस है. पर मैं चुप रहा क्योंकि मैं गिल्टी फील कर रहा था जब भी मैं उनसे बात करता था, क्योंकि उनसे बात करने का मतलब उन्हें रिस्पोंड करने के लिए फोर्स करना, क्योंकि उन्हें बार बार टैप करना होता था कंप्यूटर पर एक छोटे से स्विच से जो उनके हाथ में था. और इकलौती मूवमेंट जो उनकी बॉडी में थी वो थी उनकी लॉन्ग पेल फिंगर्स. और हर बार वो अपनी आँखें बंद करते थे फ्रस्ट्रेशन में, थकान की वजह से. और मैं जब उनके सामने बैठा था तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रही थी उनकी जो एंग्विश थी, उनकी जो नाराज़गी थी. उनके दिमाग में बहुत सारी सोच थी, बहुत सारी थॉट थी, बट वो सारी थॉट बाहर आ रही थी जमे हुए फ्रेजेस और सेंटेंसेस में. अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, आई सेड. आर यू ओपन लाफिंग इनसाइड? About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? The answer flashed yes. Then he smiled his one-way smile and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. जब मैंने उनसे पूछा कि क्या जो डिसेबल लोग हैं वो पूरी तरह से अनहैप्पी होते हैं या आप कभी अंदर से हंसते हैं, लगभग 3 मिनट बाद उनका रिस्पॉन्स आया कि मुझे अजीब लगता है जब लोग मेरे साथ सिंपथाइज करते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन जो नरेटर ने पूछा वो ये कि क्या आपको गुस्सा आता है जब मेरे जैसा कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए आता है. तो उन्होंने बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर दिया यस. और जब उन्होंने स्माइल किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल इंसान को देख रहा हूँ. अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ फेम इज शॉकिंग बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स हैव टर्न्ड 3D. जब उन्हें पहली बार देखा तो ऐसा लगता था जैसे कि वो एक स्टिल फोटोग्राफ है, जैसा कि उन्हें मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में दिखाया जाता है, एक 3D पिक्चर.
Then you see the head twisted sideways in a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what, but you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. उनका जो सिर है वो एक साइड में लटका हुआ था, उनका पेट ब्लू कलर की शर्ट में छिपाया हुआ था, दबाया हुआ था, उनके लेग्स वेस्ट थे, बट उनकी आँखों में कुछ ऐसा था जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बहुत बड़ा था, बट आप बता नहीं सकते कि वो क्या था. बट आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब आप उनकी साइड देखते हैं, उनकी तरफ देखते हैं. बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न, बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न हुज वॉल्स आर वॉन सो थिन यू ग्लीम्स ओनली द लाइट इन साइड इज द इनकैंडेसेंस ऑफ अ मैन. The body almost irrelevant exists only like a case made of shadows. So that I, no believer in eternal souls, know that this is what each of us is. Everything else is an accessory. अब देखो narrator ने क्या बताया है कि incandescence of a man, उस आदमी की जो inner glory थी वो एक lantern की तरह थी, जिसकी walls, जिसकी दीवारें इतनी पतली हैं कि हम उसके अंदर की चमक देख सकते हैं. बॉडी बिल्कुल बेकार थी, वो एक शेडो से बनी हुई केस की तरह होती है, बाहरी दिखावा होती है, एक्सेसरी, सजावट का सामान. व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई हैड आस्क्ड फ्रॉम अर्लियर. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर. I said, you do discover how much kindness there is in the world. Yes, he said, it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades, no tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि डिसेबल होने की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि डिसेबल होने में कुछ अच्छा है. और उनकी जो वॉइस है उसकी डिसएडवांटेज ये थी कि इसमें ना तो कोई अप्स एंड डाउन्स थे, ना ही टोन, और मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि वो कितना एक्साइटिंगली मुझसे एग्री कर रहे थे. एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट वॉच द टाइम, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आर 30 मिनट्स काउंट. आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी. हाउ लिटल इट मैटर देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड. आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स. डिड दैट थॉट हेल्प हिम? नो, ही सैड. एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क वेन योर बॉडी इज अ क्लस्ट्रोफिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरो डे बाई डे. इट डज नॉट डू मच गुड टू नो दैट देर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल. इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर? दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वट दे आर गुड एट. आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम. देखो नरेटर बार बार शिफ्ट हो रहा था अपनी चेयर पर घड़ी देखने के लिए, टाइम देखने के लिए, और वो 30 मिनट्स के हर एक मिनट को यूजफुल बनाना चाहता था. और उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस हुआ इस चीज़ को जानकर कि वो बेशक चल नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था, बट उसकी बॉडी मूवमेंट कर सकती थी. उसके बाद नरेटर ने स्टीफन हॉकिंग को बताया कि वो कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है उसके लिए और उस जैसे बहुत सारे लोगों के लिए. और क्या ये सोच उसकी हेल्प करती है उसके काम की प्रोग्रेस में? और उन्होंने जवाब दिया नो. और मुझे लगा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैंने इस तरह का क्वेश्चन पूछा. उन्होंने जवाब दिया कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जब लोग स्माइल करते हैं आपकी तरफ एडमिरेशन से कि आप अभी भी सांसें ले रहे हैं.
उसके बाद नरेटर ने उनसे पूछा कि क्या वो कोई एडवाइस देना चाहते हैं डिसेबल लोगों के लिए, और स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि डिसेबल लोगों को उसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं। आई नो वॉट यू मीन, आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कॉन्सिडरेबली लार्जर देन आई वॉज एंड हाउ ग्लीफुली हैड आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट। अब नरेटर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग के साथ कि जब वो छोटा था तो उसने एक स्पेनिश गिटार प्ले करने की कोशिश की, बट वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ जब एक रात उसने उसे तोड़ दिया। उसके बाद नरेटर का जो आधा घंटे का टाइम था वो ओवर हो गया और उसने जाने के लिए कहा, बट स्टीफन हॉकिंग सैड आई कैन शो यू द गार्डन। स्टीफन हॉकिंग ने उसे कहा कि वो उसे अपना गार्डन दिखाना चाहता है। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच रंबलिंग अलोंग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर बट दे कुड नॉट टॉक मच। द सन मेड हिम साइलेंट द लेटर्स ऑन स्क्रीन जिस अपियरिंग इन द ग्लेयर। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी व्हील चेयर पर एक एक इंच को कवर किया गार्डन के, बट वो ज़्यादा बातें नहीं कर पाए क्योंकि सनलाइट ने उसे साइलेंट कर दिया था। उसकी जो स्क्रीन के लेटर्स थे वो दिखने बंद हो चुके थे सनशाइन की वजह से। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव। एक घंटे बाद हम चलने के लिए तैयार थे। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, आई कुड नॉट किस हिम और क्राई। आई टच हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इन टू द समर इवनिंग। आई लुक्ड बैक, आई न्यू ही वॉज वेविंग दाउ ही वॉज नॉट वॉचिंग हिम। An embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years. Alone I knew that my journey was over for now. मैंने पीछे मुड़ के देखा स्टीफन हॉकिंग की तरफ। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे वेव कर रहे हो, हाथ हिला रहे हो, बट वो हाथ नहीं हिला रहे थे। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं सबसे ब्रेव इंसान से मिल रहा हूँ और मुझे ये पता था कि मेरी जर्नी ख़त्म हो चुकी है, पर सिर्फ अब के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ योर वर्क इज़ टू रीड द चैप्टर एंड लर्न ऑल द वर्ड मीनिंग्स। थैंक यू।